नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भवती महिला को नीचे झुकना चाहिए या नहीं। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला को झुकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब तक शिशु सुरक्षित है। प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में एमनियोटिक द्रव होता है, जो बच्चे के लिए बिछावन का काम करता है, यानी कि गद्दे जैसा मुलायम होता है। अगर आपको झुकने में आपका बच्चा जोर से हलचल करता है, तो आपको एकदम भी झुकना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में 4 महीने तक आप आराम से सारा काम कर सकते हैं, लेकिन 4 महीना निकलते ही पेट में शिशु काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे आपका पेट बाहर की तरफ दिखने लगता है। पेट बड़ा होने से आपको झुकने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। हाँ, अगर आप 5 महीना के बाद से झुकते हैं, तो आपको धीरे धीरे झुकना है, धीरे धीरे उठना और बैठना है। तेजी से झुकते हैं या उठते बैठते हैं, तो पानी की थैली फट सकती है। गर्भावस्था में आप बैठकर झाड़ू पोछा लगा सकती हैं, ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी का चांस अधिक रहता है। गर्भवती महिला को हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से पेट में शिशु को चोट लगने की संभावना अधिक रहता है। गर्भवती महिला भारी सामान न उठाएं। अगर आपको किसी कारणवश उठने या बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप बिना संकोच दूसरे व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं। आप गीले जमीन पर चलने से बचें। गर्भवती को 5 महीना के बाद सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिएगा, दोस्त व सहेलियों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।